ग्राहक के अंगूठे से पैसा निकालने के लिए स्पाइस मनी एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कस्टमर का अकाउंट से पैसा कैसे निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आप प्ले स्टोर से स्पाइस मनी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपका इंस्टॉल किया हुआ है तो इसको आप यहाँ ओपन करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ अधिकारी आईडी आ जाएगा, यहाँ पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करेगा, उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ आपका पूरा डैशबोर्ड शो होगा, यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, आधार से विड्रॉ कर सकते हैं, ए टी एम से भी पैसा निकाल सकते हैं, ए ई पी एस कर सकते हैं, यहाँ से आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अगर किसी का अकाउंट में पैसा उठाते उठाते लिमिट लग जाता है तो यहाँ भीम आधार पे करके उसके अकाउंट से पैसा निकाल कर देंगे। आप यहाँ से बिल पेमेंट कर सकते हैं, लोन रिपेमेंट पे आपको यहाँ कमीशन मिलेगा, 0.15% कमीशन है। या फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, IRCTC से आप यहाँ ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, अधिकारी लोन ले सकते हैं, यहाँ से अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप इंस्टेंट पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम कैश विड्रॉल करके दिखाएंगे। तो यहाँ AEPS विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना डिवाइस चूज़ कर लेंगे, जो भी डिवाइस आपके पास है। मेरे पास मोर्फो है, मोर्फो चूज़ कर लेंगे। यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ व्यू ऑल बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरा बैंक का लिस्ट आ जाएगा। चलिए हम पंजाब नेशनल बैंक का चेक करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपना आधार नंबर फिल करेंगे, यहाँ अपना एक मोबाइल या मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ अपना अमाउंट डालेंगे, उसके बाद ये टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ स्कैन फिंगर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका मोर्फो में लाइट आ जाएगा, यहाँ अपना हम थम्स रखेंगे। देखिए मेरा यहाँ थम्स ले लिया है। देखिए मेरा ट्रांजैक्शन हुआ। देखिए मुझे वॉइस अलर्ट भी मिल चुका है, यह मेरा 100 रुपया मेरा अकाउंट से निकल गया, ये अवेलेबल बैलेंस यहाँ 727 रुपया मेरा बचा है। इसी तरह से अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी भी करना है तो बैलेंस इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ बैंक नहीं आता है तो व्यू ऑल बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पूरा बैंक का लिस्ट आ जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक करना है तो मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्लिक कर लेंगे, यहाँ अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ एक मोबाइल नंबर फिल करेंगे और इस टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और फिंगर स्कैन फिंगर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका मोर्फो फिंगर में लाइट आ जाएगा, अपना हम यहाँ थम्स रखेंगे। देखिए मेरा यहाँ थम्स ले लिया है। अब मेरे बैलेंस इंक्वायरी भी देखिए हो गया, 2736 रुपया मेरा अकाउंट में है, ये यहाँ दिखा रहा है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।